Welcome back everyone, my name is Johnny and you are watching my channel jiska naam hai Tech Face and today I'm going to be doing a construction vlog. Ye jo aaj ka video hai, it's going to be a construction vlog. Basically I'm just falling right now. Dekho dikhata hu kya ho raha hai aaj. So aaj hum karne wale hain, dekho bahut sare boxes hai mere paas, all over there. So I just need to, you know, sort them all out. To usko sort karne ke liye I needed a place aur place thi nahi mere paas. So now I'm trying to build this thing. Ye ek rack hai, if you can see it. Yeah, isko build kar raha hu main. एंड इसको बिल्ड करने के बाद फाइनली सब कुछ जमा दूंगा ऐसी चीज के ऊपर. सो या उसी के ऊपर आज का वीडियो है. लेट्स बिगिन द वीडियो बाय हैविंग अ लुक एट द ई बाप रे टाइम लैप्स राइट नाउ. कि वो पीछे का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हरा भी लगा के, हरा भी यूज करेंगे, ब्लैक भी यूज करेंगे. ओके, सो इन अ वे मौत आ चुकी है, आई मीन टू से कि आफत आ गई है. बहुत ज्यादा भयंकर चीज है. देखो मैं बिना मार्क करे कर रहा था सब कुछ को, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने मार्क कर लिया है सारी पॉइंट्स को. मम्मी टोल्ड मी दिस वन थिंग कि स्टार्टिंग में मार्क कर लेना, बट देन आई डिडंट मार्क इट. सो इट डिड टुक हेल आउट ऑफ अ टाइम फ्रॉम माय साइड. बहुत टाइम लगे करते करते, लेकिन अब जाके मार्क कर लिया है. कहाँ फेंक दी मैंने यार वो चौक, पता नहीं कहाँ फेंक दी. बट देन अभी मार्क कर लिया है तो अब करना आसान होगा. सो या बट देन स्टिल सच अ हेक्टिक टास्क. ओके करते हैं सो कंप्लीट. वैसे मैंने ब्रेक इसलिए लिया बिकॉज आई वांटेड टू टेक सम वाटर. ऑल्सो मुझे मालूम था कि जो DSLR की बैटरी है वो ऑफकोर्स ख़त्म हो रही है. बैटरी इट्स लाइक रेड राइट नाउ. आई हैव टू लाइक रिचार्ज माई बैटरी और उसके बाद वापस से इसको कंटिन्यू करना है. बेहतरीन. ऑल्सो ऑलवेज लिसन टू योर मदर बिकॉज अगर तुम नहीं सुनोगे यू गोना गेट स्कोल्डेड इन अ बैड वे. आई नो इट. ओके सो फाइनली वी आर डन विद ऑल दोस थिंग्स. दोनों की दोनों रैक बन चुकी हैं. ओके आई थिंक ये सही एंगल है एंड प्लान ये है कि अब इस चीज को वहां पर प्लेस करना है उस साइड टू दैट आई कैन प्लेस माय कैमरा दिस साइड एंड यू नो एक प्रॉपर कैमरा डिफॉल्ट एंगल सेट हो जाएगा. सो लेट्स डू दैट अगेन अ टाइम लैप्स. स्टेप मैं आरजीबी यूज नहीं करूंगा, सिर्फ ब्लू यूज करूंगा. कल जाता हूं तो कल जाके सिटी से आरजीबी की स्ट्रिप या तो ब्लू कलर की स्ट्रिप लेके आता हूं, जैसे भी होता है. आई एम गोना टेल यू गाइस एंड या आई एम गोना अप्लाई ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर टुमारो. मोनेटाइज हुआ नहीं इसलिए अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो जाके आप वहां से खरीद सकते हैं मेरा फायदा होने से रहा. तो वही है, सिद्धार्थ इज आउट हियर एंड बिकॉज सिद्धार्थ ने खरीदा है क्या बोया का BY-M1 माइक्रोफोन, जो कि बहुत टाइम से इवन मैं खुद यूज कर रहा हूँ. इट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छी चीज. अगर तुम YouTube चालू करना चाहते हो तो इसकी इन्वेस्टमेंट बनती है. सीरियसली 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बनती तो है यार, क्योंकि आधा फोकस आधा
हाँ, क्योंकि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट शायद नहीं मिलेगी आपको 1000 रुपीस में. एब्सोल्युटली सही बात है. इवन पता है मैंने भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर इसका इस्तेमाल करा है. सो इफ यू वांट टू सी द अनबॉक्सिंग आल्सो रिव्यू चेक आउट द चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा इस चीज की. मतलब सिद्धार्थ की एक्सोटिक पैलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी. चैनल का नाम तुमको बता ही दिया है. ऑल्सो ये जो कंस्ट्रक्शन ब्लॉक था वो अब टर्न हो चुका है इनटू लाइक आई एम ट्राइंग टू पुट एलईडी स्ट्रिप्स ऑल ओवर द प्लेस. सो या गाइस आई मीन प्रॉपर्ली वो जम चुका है. एलईडी लाइट लगाना बाकी है, वो अभी हल करने वाला हूं मैं. बट आई थिंक ना ये वाला पर्टिकुलर जो विंडो है ये कुछ ज्यादा ही ओवरफिल हो गया है. सो आई थिंक मुझे ऊपर से सामान उठा के नीचे बॉटम साइड वहां जमा सकता हूं एंड देन आल्सो यहां पर हम कुछ काम कर सकते हैं सो दैट ऊपर ज्यादा कुछ बचे नहीं. बिकॉज एलईडी लाइट तो मैं अंदर ही लगाऊंगा, ऊपर तो लगाऊंगा नहीं. एंड ऑफ कोर्स जो एंड रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा कूल होगा बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि जब वहां लाइट लग जाएंगी ना मजा आ जाएगा फॉर श्योर. सो या लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल टाइम लैप्स राइट नाउ. सो फाइनली जाके मेरा जो छोटा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स लुकिंग ग्रेट. रुको लाइट ऑन करता हूँ. सो इवन विद द लाइट्स ऑन आई थिंक ये चीज जो है वो दिख रही है कि हाँ भाई ब्लू लाइट है यहाँ पर लगी हुई है एंड इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट. अगर अब बात करेंगे अबाउट द पावर सप्लाई तो पता है क्या ये एलईडी स्ट्रिप है. नाउ एलईडी स्ट्रिप यूज करती है 12 वोल्टेजेस. ये लाइट जो है वो आई थी इस पैकेज के अंदर. इस पैकेज पे लिखा हुआ है कि दिस थिंग यूजेस 4.8 वॉट पर मीटर. 4.8 वॉट पर मीटर का मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है वो अच्छी खासी पावर यूज करती है बिकॉज इस पूरी रैक के अंदर इस्तेमाल हुआ है 9 मीटर की एलईडी स्ट्रिप्स. नाउ 9 मीटर के ऊपर 4.8 वॉट, इसका मतलब हो गया अराउंड 45 वॉट ईजिली. तो 45 वॉट की तो सिर्फ ये रैक ही हो गई. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 45 वॉट का मतलब हो गया 12 वोल्टेज इंटू सम एम्पियर. नाउ उतना सारा एम्पियर 3.6 एम्पियर लाने के लिए यू नीड अ तगड़ा रेक्टिफायर. लेकिन ऐसा तगड़ा रेक्टिफायर मेरे पास है नहीं. तो ऐसा कोई अडेप्टर भी नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूँ जो कि इसको पावर दे दे बिकॉज 3.5 एम्पियर इज लाइक टू मच. एंड दैट इज वाई That is the single reason why I am giving the power to this whole rack from my power supply unit of the computer system. तो ये जो रखा है ना यहाँ पे अपना PSU, इसकी मदद से मैं पावर दे रहा हूँ पूरे के पूरे रैक के अंदर. लेकिन इससे एक ड्रॉबैक आ जाता है. ये ड्रॉबैक है कि अगर somehow लाइट चली जाती है मेरे घर की तो पूरा का पूरा जो प्रेशर है कंप्यूटर का भी एंड ये पूरी रैक का भी पड़ेगा मेरे सीधे सीधे UPS के ऊपर. Now UPS इतने सारे वॉट्स को नहीं झेल सकता. मतलब मेरा वाला तो नहीं खेल सकता, ये तो मुझे कंफर्म मालूम है. तो लाइक आई एम प्रिटी श्योर कि जैसे ही लाइट जाएगी ये चीज़ ना विद इन लाइक वन और अराउंड मैक्सिमम लेके तुम 4 सेकंड ले लो. 4 सेकंड से ज़्यादा तो ये झेल नहीं सकता ये. और अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो तुरंत बंद. तो UPS जो है उतना झेल नहीं सकता. तो ये अच्छा खासा ड्रॉबैक है. सो अगर तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का ऑल्टरनेट सोल्यूशन है तो प्लीज मुझे बताओ. आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू नो द सोल्यूशन फ्रॉम योर साइड. डू रिमेंबर आई नीड 3.5 एम्पियर. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज है. सो उसको भी दिमाग पर रख के मुझे सॉल्यूशन देना प्लीज. थैंक यू. एंड नाउ इज द टाइम फॉर अ फ्रिकिंग मॉन्टाज. कितने मैसेजेस आते हैं मेरे को यार, बहुत मैसेजेस आते हैं, हद मैसेजेस. के बाद वीडियो को खत्म कर देना चाहिए बिकॉज वीडियो हैज गॉन वे टू लॉन्ग. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैंने गेमिंग सेक्शन जो था ना बजट गेमिंग PCs उसके रिजल्ट्स को मैंने आउट कर दिया है मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर. सो जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट द विनर्स कि कौन जीता है उस इंडियन बजट सेक्शन के सेटअप वॉर्स की गिवअवे के अंदर. जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दैट थिंग. एंड अभी के लिए टेक केयर, पीस आउट एंड गुड नाइट एवरीवन. आई सीरियसली हेट पीपल हु थ्रो गार्बेज आउट ऑफ देयर गाड़ीज. व्हाटएवर द फकिंग बाइक इट इज और कार इट इज,
Don't throw garbage out of your car, man. Please don't do that.